टीवी सीरियल रामायण के निर्माता व निर्देशक रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर का कहना है कि सीरियल के निर्माण के पीछे देवीय शक्तियों व साधुओं का मार्गदर्शन भी था, जिसके वे खुद भी साक्षी रहे हैं। प्रेम सागर कहते हैं कि यह एक अविश्वसनीय कहानी है, जिसका जिक्र उन्होंने उनके पिताजी की बायोग्राफी एन इपिक लाइफ ऑफ रामानंद सागर में भी किया है। तो आखिर क्या है यह कहानी, जानते हैं इस वीडियो में। एन इपिक लाइफ ऑफ रामानंद सागर में प्रेम सागर बताते हैं कि शिलोंग में फिल्म ललकार की शूटिंग के पहले उनके डिस्ट्रीब्यूटर उन्हें उनके पिताजी रामानंद सागर व उनकी पूरी टीम को कामाख्या देवी के मंदिर लेकर गए। वहां दर्शन करके जैसे ही वे सब निकले, एक छोटी सी तेजस्वी कन्या ने आकर कहा, एक बाबा आपसे मिलना चाहते हैं। रामानंद सागर आध्यात्मिक तो थे ही, साधु से मिलने पहुंच गए। साधु महाराज उन्हें देखते रहे, कुछ नहीं बोले। रामानंद सागर ने उनसे पूछा, कोई सेवा चाहते हैं तो आदेश दें, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। आखिरकार रामानंद सागर उन्हें प्रणाम कर चले आए। यह बात सन 1970 की है। एक दशक के पश्चात फिल्म कोहिनूर की शूटिंग के लिए वे सब उत्तराखंड के हर की पौड़ी के निकट थे। अचानक बरसात होने लगी, एक तरफ गंगा मैया तो दूसरी तरफ तूफान। दूर दूर तक कोई मकान नहीं था। तभी रामानंद सागर को वहाँ एक साधु का आश्रम दिखा। उन्होंने अपने असिस्टेंट से कहा कि साधु महात्मा से मदद के लिए निवेदन करें। पहले तो साधु बाबा नाराज हो गए, पर जैसे ही उन्होंने रामानंद सागर का नाम सुना, उनके चेहरे के हाव भाव बदल गए। उन्होंने माफी मांगी, आदर के साथ सबको आश्रम में लेकर आए, साथ ही आसन पर बिठाया व सभी को काढ़ा भी पिलाया। बाद में पता चलता है कि वह साधु स्वामी रामानुज सरस्वती थे। वह एक एटॉमिक साइंटिस्ट भी थे। उन्होंने जब रामानंद सागर को कामाख्या मंदिर का वृत्तांत सुनाया, तो प्रेम सागर व बाकी की टीम यह सुनकर दंग रह गए कि उन्हें यह कैसे पता चला। बाकी साधुओं ने बताया कि वह साधु महाराज कोई और नहीं, सिद्ध महाअवतार बाबा जी थे। प्रेम सागर आगे बताते हैं कि इस घटना के बाद उनके पिताजी बद्रीनाथ गए उन्हीं साधु महात्मा से वापस मिलने, परंतु उन्हें वहां राम बाबा नामक साधु मिले। उन्होंने रामानंद सागर से कहा कि तुम सिनेमा छोड़ दो और टीवी के लिए रामायण बनाओ। इस घटना के बाद एक साल के अंदर ही रामायण का निर्माण प्रारंभ हो गया। सन 1987 से 88 के बीच रामायण का प्रसारण टेलीविजन पर हुआ। उस समय इसकी लोकप्रियता चरम पर थी। वर्तमान में करीब 33 साल के पश्चात दूरदर्शन पर रामायण का पुनः प्रसारण हुआ। इतने अरसे बाद दिखाए गए इस शो ने टीआरपी के मामले में नए कीर्तिमान स्थापित किए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही इस प्रकार की और भी दिलचस्प जानकारियाँ जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।